Hello people, it's me Shan. Welcome to my channel and thank you so much for clicking on this video. Today we are going to talk about this movie which is called Ayyari. ये मूवी जो है ये नीरज पांडे ने बनाई है. नीरज पांडे बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर है. इन्होंने ज़्यादा मूवीज़ तो नहीं बनाई है लेकिन जितनी भी बनाई हैं कमाल बनाई हैं. सारी में मेजरली अक्षय कुमार के साथ मेन लीड रख के ये मूवीज़ बनाते हैं. ये थोड़ी अलग है, इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और मनोज वाजपेयी हैं. बट इनके प्रीवियस कुछ मूवीज़ की अगर बात करूँ तो जैसे कि बेबी, स्पेशल 26, नाम शबाना और भी हैं. तो इस तरह की जो मूवीज़ ये बनाते हैं ये बहुत ही अल्टीमेट होती हैं. और नीरज पांडे ने एमएस धोनी भी बनाई थी. ओके सो आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, नीरज पांडे बहुत ही अमेजिंग मूवीज़ बनाते हैं. और अब ये जो मूवी है अय्यारी, ये बेसिकली शायद कुछ आर्मी बेस्ड मूवी है क्योंकि मुझे उस मूवी के बारे में तो पता नहीं है. बट मैंने अभी पोस्टर देखा था और इस वीडियो का थंबनेल देखा तो सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड मनोज वाजपेयी वर इन देयर आर्मी यूनिफॉर्म. तो इट्स बेस्ड ऑन आर्मी. सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी होने वाली है. इट्स अ लॉन्ग ट्रेलर, इट्स 2 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स लॉन्ग. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम लेट्स गो राइट इनटू इट एंड देन वी विल हैव अ लिटिल चैट अबाउट इट. सो अय्यारी ट्रेलर, नीरज पांडे, हियर वी गो. मेरे बॉस हमेशा कहते थे कि सर्वेलेंस में लिसनिंग इज अ फाइन आर्ट. एक ईमानदार फौजी था. ये टैंक्स, ये गन्स वाकई बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं प्रताप. फोर टाइम्स क्रेडिट प्राइस. एक दिन लड़ते लड़ते बहुत दूर निकला है. ऐसा भी तो नहीं कि तो अजीब से जा रहा है. What's the problem? Damages the bloody taxpayers money. जब आग खुली तो पता चला कि वो चोरों की बस्ती में. फौजी ने बहुत सोचा और अपनी वर्दी उतार दी. इनसाइड करप्शन. मुझे शक है तुम्हारे यूनिट में सब कहीं बिक गया है. मेरे जय बाशी सर. राइट है? वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना है? नो मैम, फौजी है. प्रॉब्लम क्या होगी? तू ही बहुत मानता है, बोलता रहता है कि अभी सर के जैसे बनना है. इंडियन आर्मी पर से लोगों का भरोसा कभी उठना नहीं चाहिए. हमारे सरेंडर योर सेल्फ. मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ लेकिन कोशिश करूंगा तुझे अपने हाथ से नहीं मार. आपको एक वार्निंग देनी थी. दे दी. आप लोग अय्यार को अय्यारी आती है आपको. गूगल करो या मतलब पे बताएगा इसका. जो जब चाहे रूप बदलता है. मैं तुझे ढूंढ लूंगा. क्या नहीं सर, आप मुझे नहीं ढूंढ रहे. आप भूल रहे हैं मैंने ये सब आप ही से सीखा है. तूने ऐसा सुन के लिया सर. बहुत कुछ नसरुद्दीन शाह अमेजिंग. कोई लड़का नहीं. मैं गद्दार नहीं हूँ सर. Perhaps this institution doesn't deserve an officer like me. Yes, it doesn't deserve you. It is up small. पर्सनली आपसे कोई तकलीफ नहीं है. मुझे तकलीफ है मेरे ही घर के आपके उन प्यादों से जो अपना देश बेचकर आपका धंधा चला रहे हैं. जिंदगी जिएगा चाहे तो इसके बाद हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा कि कोई तेरा पीछा तो नहीं कर रहा. और तेरा सबसे बड़ा डर होगा मैं. गरीब आदमी को ना उंगली नहीं करने का सब. अमेजिंग यार, अमेजिंग. लास्ट डायलॉग बहुत अमेजिंग था, वो भी नसरुद्दीन शाह की आवाज में. मैं भूल ही गया था कि वेडनेसडे भी इन्होंने ही बनाई है. मुझे अभी लिखा है तो एकदम ध्यान आया. और मैं कहने भी वाला था कि इसमें वेडनेसडे की थोड़ी वाइब है. सो अब मुझे पता चला वो वाइब कैसे है. अगर देखा जाए तो स्टोरी बहुत अमेजिंग है, डिफरेंट है कि दो यू नो काइंड ऑफ बेस्टीज आर्मी में और उसमें से इसमें से एक यू नो वेंट रोग और दूसरा अब उसे हंट कर रहा है. सो इट्स रियली लाइक कि मतलब सरेंडर कर दे एंड ही इज लाइक मैंने आप ही से सीखा है. आई थिंक स्टोरी इज रियली नाइस. स्टोरी बहुत अमेजिंग है. जो भी सारी कास्ट है वो भी बहुत सारी अच्छी है. मनोज वाजपेयी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह, आदिल हुसैन, सारे बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं. एंड आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द गाय लेकिन
वो ज्यादातर आजकल मूवीज में बैड गाइज ही बनते हैं जिन्होंने अपनी स्टार्ट करा था. जो फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर आई सॉ हिम वाज इन रॉकस्टार. रॉकस्टार में वो कैंटीन वाले बने थे जो बाद में रणबीर कपूर के काइंड ऑफ मैनेजर भी का रोल प्ले करते हैं. तो उन्हें भी मैंने देखा है वो काफ़ी मूवीज में आजकल नेगेटिव रोल्स में आ रहे हैं. इसमें भी नेगेटिव रोल में है तो इट्स लाइक रियली नाइस. और इसमें रकुल प्रीत भी है एक सीन में देखा था. तो सारे बहुत अच्छे अच्छे इसमें बेसिकली एक्टर्स लिए हुए हैं. तो ऑब्वियसली नीरज पांडे की मूवी, इतने सारे अच्छे एक्टर्स, इतनी अच्छी स्टोरी, लिखी भी नीरज पांडे ही है, रिटन बाय ऑल्सो नीरज पांडे. तो इट्स लाइक अ कम्प्लीट पैकेज. बट एक चीज़ मैं अगर बेसिकली अभी जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि 26 जनवरी को रिलीज हो रही है रिपब्लिक डे पे, सेम एज पैड मैन. तो आई थिंक इट्स अ डायरेक्ट क्लैश बिटवीन अयारी एंड पैड मैन. एंड अक्षय कुमार इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ नीरज पांडे. सो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन सी बेटर करती है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली जस्ट यू नो बेसिकली क्लैश बिटवीन सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड मनोज वाजपेयी. इट्स बेसिकली अ क्लैश बिटवीन अयारी एंड पैड मैन. पैड मैन अपनी जगह पे बहुत अमेजिंग होने वाली है एंड ये इससे भी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ. सो इट विल बी फन टू यू नो सी कि दोनों कैसी रहती हैं एक दूसरे के साथ. बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं लेकिन अमेजिंग मूवी. आप मुझे बताइए आपको ये ट्रेलर कैसा लगा एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल स्टोरी एंड ऑल दिस स्टार कास्ट कमिंग टुगेदर टू क्रिएट दिस मैजिक. एंड व्हाट डू यू थिंक, आई वांट दिस यू नो काइंड ऑफ लाइक पोल कर लेते हैं. चलो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, यारी बेटर जाएगी या पैडमैन? यू नो गिव मी योर थॉट्स, कमेंट करिए. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ. एंड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको और ज़्यादा वीडियोज़ भी मेरी देखने को मिलेंगी. एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड ट्विटर. द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ऑन patreon.com. इट विल हेल्प मी टू यू नो मेक दिस चैनल इवन बिगर. एंड दैट्स इट गाइज, आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.